भारत की आजादी के 62 वर्ष बाद हम जहां खड़े हैं वहां अंधकार ही अंधकार है। कदाचित भारत माता की आजादी के बाद महात्मा गांधी ने भारत की बागडोर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में सौंप दिया होता तो भारत भारत के रूप में स्थापित होता, भारत का गांव जागृत होता, भारत की धरती पर गौ माता के दुग्ध की नदियां बहती। लेकिन हमारी आजादी के बाद चलने की दिशा ही उल्टी थी। हमने देश के अंदर अपने सपूतों को महानगरों के गंदे नाले के ऊपर बने हुए होटलों पर झूठी पलेटें धोने में गौरव करते तो देखा, लेकिन अपनी गौ माता का गोबर उठाने में शर्म का अनुभव करते देखा। हमने देखा दूसरों की जूठी पत्तल चाटने में हम कितना गौरव अनुभव करते रहे, न अपनी भाषा पर अभिमान रहा, न अपनी वेशभूषा का आदर रहा, न अपनी संस्कृति संस्कारों के श्रेष्ठता का बोध हमारे चित्त में जागा। आजादी के पहले भारत के अंदर रावी के तट पर खड़े होकर भारत के सपूतों ने एक शपथ ली थी, उस शपथ के पीछे उनके प्राण थे, उनका उत्सर्ग का भाव था, उनकी संकल्प शक्ति थी। मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से ही नहीं मुक्त करना, अपितु राम राज्य की स्थापना करना है। सारे विश्व को जो कामनाओं और वासनाओं की आग में दग्ध होता है उसे प्रार्थनाओं के जगत में पहुंचाना है। पर की दृढ़ता के साथ अपने प्राणपन से, अपने हृदय की प्रत्येक धड़कन से, अपनी शिराओं में बहते हुए रक्त की बूंद बूंद से, आपको जो पुरखों से मिली है परंपरा उसका सम्मान उसका स्मरण करते हुए यह संकल्प मेरे पीछे दोहराएंगे। हे परम पूज्य गो माता, आप ममता मई करुणा मई माँ हैं, आप सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु हैं, आप पवित्र तीर्थ स्वरूपा हैं, मां आप गंगा की पावनता और शुद्धि की देवी हैं, सर्व रोग निवारिणी आरोग्यदात्री धनवंतरी रूपा हैं आप, जैविक कृषि के रूप में समृद्धि